इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने फिर उसी दुकान को अपना निशाना बनाया जिस दुकान को पिछले 4 माह पूर्व चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर रखे गल्ले में हजारों रुपए नकदी और DVR सिस्टम ले उड़े, तो वहीं चोरों ने पास की दुकान को भी अपना निशाना बनाया, लेकिन वह चोरी की घटना का प्रयास किया। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जहां आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी में जुट गई है। भैया सुबह दुकान पे आए थे तो देखा तो शटर उचका हुआ था, फिर हम पहले थाना गए और पहले हमने पुलिस वालों को सब जानकारी दी, पुलिस वाले खुद आए, फिर उन्होंने आके देखा, फिर उनके सामने शटर खुला है तो देखा था तो TV LCD सब गिरा हुआ था, DVR नहीं था उसके अंदर, और कुछ जो पैसे रखे थे लगभग 10-12 हज़ार रुपये के आसपास थे, 15,000 के आसपास, वो सब कुछ भी नहीं था उसके अंदर। कितनी बार चोरी हो गई यहाँ पर? अभी 4 महीने पहले भी यहीं पर ही हुई थी, जब पहले पीछे चद्दर खोल के उतरे थे, जब भी करीब करीब मतलब गल्ला वल्ला तोड़ दिया था उन्होंने, और जब भी करीब करीब इतने ही पैसे थे। 8,000 की दुकान में चोरी हुई है जी? आज कितने दुकान में चोरी हुई? आज 2 दुकान में हुई है, मतलब एक का शटर उचकाया था, उसके अंदर घुसे नहीं है, और अपने दुकान में तो घुस गए थे। काय का काम है आपका? अपना ये लोहे का ही काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।